सामने एक नाटक लेकर आया हूँ जी। ये नाटक नहीं है, खेल है, और ये खेल निकलेगा मेरे इस पिटारे में से। ये नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला। जी हाँ, कारा बहन जी, आपकी कारा। भाई साहब, आपकी कारा। नहीं, ये कारा उन तमाम माताओं की जिन्होंने सदियों से तड़पते हुए अपने अस्तित्व को, अपने नारीत्व को बचाए रखा है। हम सुनते आए हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती है, स्त्री बनाई जाती है। जी हाँ, स्त्री अपने वजूद की, अपने होने की रक्षा हेतु समाज की उन तमाम कारणों को तोड़ रही है जिस समाज ने अपनी खोथली, अपनी रूढ़िवादी विचारधारा में उसे जकड़ कर रखा है। ऐसी ही एक घटना को लेकर हम प्रस्तुत हो रहे हैं प्रोफेसर कुसुम लता मलिक द्वारा लिखित नाटक कारा कुंती की। जाना है दूर, बहुत दूर। क्षितिज के उस पार दासी
करती है। सूर्य उदय सबके लिए प्रेम का संदेश नहीं होता, उसकी चमक जो जो भरती है जो जो बहुतों के जीवन में चुभन और कसक भी भरती। शीघ्र चले देवी, शीघ्र चले। देवी संज्ञा को घर से निकलने का आदेश दे दिया है।
क्या कोई पिता अपनी पुत्री को ऐसा आदेश दे सकता है? महाराज, सत्य भावनाओं को कितना ही है जाए, उसे कुछ नहीं होता। खबर तो ये भी है कि देवी संज्ञा अपने माता के समस्त अनुग्रह को ठुकरा कर पिता का घर जा चुकी। आश्चर्य, घोर आश्चर्य! क्या यह सब प्रवाद मिथ्याचार है? राजपुरोहित जी, आप बतलाइए। महाराज, मिथ्याचार जितनी तेजी से हवा में उड़ता है, उतनी ही शीघ्रता से हवा हो जाता है। उसकी यह यात्रा युगों से यूं ही चली आ रही है। यह सर्वविदित है कि मिथ्याचार के पांव नहीं होते, किंतु सत्य यथार्थ की ठोस भूमि पर घिसक घिसक कर चलता है। संसार की वक्र नीति उसकी गति को कितना ही बाधित क्यों ना करे, तथापि कालचक्र के धुरी से महाराज उतरता नहीं है। हमें यह आभास बार बार होता है कि असत्य भारी पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि असत्य जीत जाता है, लेकिन महाराज सच यह है कि सत्य कभी हारता नहीं है। आप वही कहिए जो आज महाराज मंत्रीवर द्वारा दिया गया विवरण ही सत्य है। देवी संज्ञा इस समय उत्तर कुरु नगर में अश्वनी रूप धारण कर कठोर तपस्या में लीन है। ऐसा घोर अनर्थ! एक स्त्री की ऐसी व्यवस्था, पिता और पति के होते हुए भाग्य की ऐसी विडंबना। महाराज, स्वाभिमान समझौते नहीं करता, वह किसी भी परिस्थिति में पीड़ा की मर्यादा पालता है। महाराज, रत्नाकर विवरण से समस्या का हल होता हुआ नहीं दिखता, अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें इस पर पुनः विचार करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मंत्री महोदय, किंतु मनुष्य लाख कोशिशों के बावजूद भी भावनाओं के जाल से निकल नहीं पाता। ठीक कहते हैं महाराज, अहिंसा का समस्त संबंध भाव सत्ता से ही तो संचालित होती है, और जब कभी भाव केंद्र पर चोट लगती है तो मन वेदना चित्कार कर उठती है, और देवी संज्ञा इसी चित्कार को तपश्चर्या बना लिया है। यह कम बड़ी बात नहीं है। महाराज, विवरण से ज्ञात होता है देवी संज्ञा आत्मबल की धनी है। स्त्री का आत्मबल महाराज सृष्टि का संबल है, सृष्टि का संबल। इस व्यथा कथा से मन आहत हुआ, परंतु अब उपाय ही क्या है? क्या आप लोग किसी अन्य कलाविद शिल्पज्ञ को जानते हैं? यदि जानते हो तो अविलंब नाम प्रस्तावित कीजिए। पिताजी, यदि आज्ञा हो तो मेरे पास एक प्रस्ताव है। पुत्री, इसमें आज्ञा की कौन सी बात है? ये तो तुम्हारा विशेषाधिकार है। तुमने समय समय पर अपने अमूल्य विचार निधि से इस परिषद को लाभान्वित किया है, फिर आज यह हिचकिचाहट क्यों? आपने मुझे कलाओं विद्याओं में पारंगत बनाया। मेरी विशेष रुचि के चलते मुझे उसका ज्ञान अर्जन भी कर दिया। ठीक है पुत्री, परंतु इससे क्या? पिताजी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं वहाँ स्वयं एक भव्य कलाकृति का निर्माण करवाऊँ। इसके लिए राजशिल्पी तथा दरबारी चित्रकारी को मेरे निर्देशन में कार्य करने की अनुमति प्रदान करें। तो क्या पुत्री, हमें किसी अन्य से निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है? जी नहीं पिताजी, आपकी यह पुत्री आपका मस्तक खींचे रही हो रे बेटी। हमें तुम पर, तुम्हारी प्रतिभा और ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है पुत्री। तुम आज से ही अपनी योजना आरंभ कर सकती हो। कला मंत्री, राजशिल्पी और चित्रकार को अभी सूचित किया जाए कि वह राजकुमारी से आकर शीघ्र मिले। जैसी आज्ञा महाराज। पुत्री, मैं तुम्हें एक माह का समय देता हूँ, क्या इस अवधि में तुम्हारी कलाकृति पूर्ण हो सकेगी? मैं धन्य हुई पिताजी, प्रगत अवधि से कोई भी सब कार्य संपन्न हो जाएंगे। अब परिषद स्थगित की जाती है, आप सभी विशिष्ट जन जा सकते हैं। Thank you.
देखने में इतना भव्य। अरे एक बात जानते हो? अरे सुना है महाराज ने खाने पीने की भी व्यवस्था करवाई है। क्या बात कर रहे हो? तुम अपने बच्चे को नहीं लाए साथ में? थोड़ा तबीयत खराब है बच्चे। क्या अद्भुत भवन है महाराज कुंती भोज का। प्रजा प्रेम किसी से छुपा नहीं है। राजमाता के जन्म दिवस पर उपहार स्वरूप दिए जाने वाले प्रसाद को महाराज ने हम प्रजा के लिए पहले दर्शनार्थ प्रस्तुत किया है। अरे देखिए भगवान सूर्य देव की जादुमयी प्रतिमा। अकल्पनीय है, क्या चमत्कार है। पश्चिम दिशा में बनी इस प्रतिमा का जादू तो देखिए। प्रांगण की प्रत्येक दीवार पर भगवान भास्कर की छवि अंकित है। रत्नों और कांचों का क्या अद्भुत प्रयोग है। भगवान सूर्य ने अपना इतना सुंदर रूप संभवतः पहले कभी ना देखे होंगे। अरे धन्य है देवी कुंती, मैंने तो सुना है बहन उनकी कला विज्ञता से तो राजशिल्प में भी अभिभूत है। अरे होंगे क्यों नहीं बहन, क्या कोई आज ऐसा कला भी है जो राजकुमारी जी से लोहा ले सके। ठीक कहती हो बहन, राजकुमारी जी ने सिद्ध कर दिया कि पुत्रों से ही नहीं पुत्रियों से भी कुल का नाम होता है पुत्रियों से ही। सूर्यदेव के ऐसे अद्भुत दर्शन से मेरी आत्मा तो तृप्त हो गई भैया। सूर्यदेव अपनी ये मनोहारी छवि देखकर संभवतः अतृप्त ना होते होंगे। संबल दिया है, एक राजा को बलवान किया है। महाराज की जय हो।